अगर आप फ्री फायर गेम खेलते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो। फ्री फायर वालों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने गेम प्ले के लिए या थंबनेल के लिए PNG वेपन कैसे डाउनलोड कर सकते हो, PNG स्किन वाला गन्स कैसे डाउनलोड कर सकते हो, मतलब बैकग्राउंड नहीं रहेगा, आप अपनी मनपसंद के हिसाब से कोई भी गन्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, प्लस मेडिकेट ये सब जितना भी टूल्स है ना, एनिमी कैसे, PNG साइज कैसे डाउनलोड कर सकते हो, चुटकी भर में आप अपने मोबाइल से ये सब कर सकते हो, प्लस आप अपनी थंबनेल के लिए यूज़ कर सकते हो, अपनी वीडियोस पर यूज़ कर सकते हो और अपना थंबनेल काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल होने वाला है ये सब कुछ टूल से, PNG टूल से यूज़ करके। और एक बात भाई, यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा कि आप अपने वेपन को कैसे PNG बना सकते हो, लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा कि इस इमेज पर कॉपीराइट आएगा या नहीं। ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा कि भाई किस इमेज को आप डाउनलोड करना चाहिए, क्या इस इमेज पर कॉपीराइट आएगा या नहीं, कॉपीराइट फ्री वाला इमेज कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को बने रहे एंड तक, परफेक्ट तरीके से मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बिना स्किप करके इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप एक फ्री फायर लवर्स है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि फ्री फायर से रिलेटेड इस चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो है और आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। देखिए भाई, पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहीं पर भी, इंटरनेट पर भी आपको बहुत सारा वेपन्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड करके PNG बना सकते हो, लेकिन आपको कॉपीराइट आने का खतरा हो सकता है, क्योंकि भाई इंटरनेट से फ़ोटो डाउनलोड करने का दो तरीका होता है, एक है कॉमन्स लाइसेंस, एक है कमर्शियल लाइसेंस। जो कमर्शियल लाइसेंस होता है ना, ये खुद का वेबसाइट होता है, कोई ना कोई इस फोटो को अपलोड करता है और आप गूगल से हो और क्रोम से डाउनलोड करके आप PNG बनाकर अपने थंबनेल पर वीडियो पर यूज़ करोगे तो कॉपीराइट आ सकता है। ठीक है, और फ्री कैसे, मतलब कॉपीराइट फ्री वाला इमेज कैसे डाउनलोड करके PNG बना सकते हो, अपने थंबनेल और वीडियो में यूज़ करने के लिए सबसे आसान तरीका दिखाने वाला हूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई वीडियो को बिना स्किप करके देखे, मैं पहले आपको दिखाऊँगा कि कॉपीराइट फ्री वाला डाउनलोड करो और बाद में कैसे PNG बना सकते हो। ठीक है, तो लेट्स गो, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं आ जाता हूँ मेरे मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र में और एक मतलब फ्री फायर का वेपन, एक कॉपीराइट फ्री वाला वेपन आपको डाउनलोड करके देता हूँ। कौन सा गन्स कॉपीराइट आएगा, कौन सी गन्स पर कॉपीराइट नहीं आएगा, वो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ फ्री फायर वेपन या गन्स। देखिए, यहाँ पर मैं फ्री फायर गन्स टाइप किया और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर और एक चीज़, अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड कर लेना है। डेस्कटॉप मोड यहाँ पर टच करके, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा मोबाइल ऑलरेडी डेस्कटॉप मोड में है। ठीक है, तो यहाँ पर डेस्कटॉप मोड ऐसे आप कर लेना। करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, इमेज पर टच कर देना है। ठीक है, इमेज पर टच करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा वेपन मिल जाएगा फ्री फायर का। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा वेपन कॉपीराइट फ्री है, कौन सा वेपन पर कॉपीराइट आएगा, ये तो आप पहचान नहीं सकते हो, इसलिए आपको यहाँ पर टच करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हो टूल्स का, टूल्स का ऑप्शन पर टच कर देना है, यहाँ पर टच कर देना है। करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कमर्शियल अदर्स लाइसेंस, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस, यहाँ पर आपको टच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस पर टच कर देना है। करने के बाद यहाँ पर जो भी वेपन आएगा ना, यहाँ पर जो भी आया है ना, यहाँ पर सब वेपन कॉपीराइट फ्री है, यहाँ से आप यूज़ करोगे तो कभी भी कॉपीराइट नहीं आएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस वेपन को डाउनलोड कर लेता हूँ, करने के बाद PNG बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ खींच के। तो यहाँ पर मैंने टच किया और यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड इमेज पर टच किया, करने के बाद ये इमेज डाउनलोड हो गया। ओपन पर मैं टच कर दिया, ये हालाँकि ये PNG इमेज था, यहाँ पर आप देख सकते हो ये PNG है, बैकग्राउंड हटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं AKM को ले लेता हूँ और ये PNG बनाकर आपको दिखा देता हूँ। उसको मैंने डाउनलोड किया, डाउनलोड इमेज, तो ये AKM का इमेज आप देख सकते हो। इस तरीके से मतलब आप फ्री फायर का या PUBG का या अदर्स गेम का वेपन हो, एनिमी हो, ग्रेनेड जो भी है ना, डाउनलोड कर लेना है पहले। ठीक है, अब मैं और एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर टाइप करना है रिमूव BG, REMOVE, यहाँ पर BG टाइप करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस वेबसाइट का एक ऐप भी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सीधा मैं इस ऐप पे दिखा देता हूँ। फिलहाल यहाँ पर एक वेबसाइट भी है, वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, अपलोड इमेज पर टच करके सेम इसी तरह कर सकते हो। मैं ऐप पर आ जाता हूँ, क्योंकि ऐप से आप PNG बनाओगे तो मतलब बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस ऐप का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। अब मान लीजिए वो जो मैंने AKM डाउनलोड किया ना, उसका बैकग्राउंड में PNG बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर अपलोड इमेज पर टच कर देना है। करने के बाद यहाँ पर फ़ोटो पर टच कर देना है। करने के बाद यहाँ पर ये जो AKM डाउनलोड किया था ये आ गया। यहाँ पर
AKM वाला, यहाँ पर AKM मैंने सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और एक के ज़रूरी बातें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम प्रोफेशनल तरीके से PNG बनाकर दे दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये PNG हो गया, बैकग्राउंड हट गया है। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड पर टच कर देना है, ये PNG हो जाएगा। यहाँ पर मैंने डाउनलोड पर टच कर दिया है और यहाँ पर मैं फिर से फ़ोटो पर टच कर देता हूँ, ये देखिए ये वेपन PNG हो गया है। तो इस तरीके से फ्री फायर का एनिमी हो, ग्रेनेड हो, कोई भी वेपन हो, कोई भी टूल से ना, पहले डाउनलोड कर लो कॉपीराइट फ्री वाला इमेज, बाद में ऐसे PNG बना लो और आप अपने थंबनेल पर वीडियो पर यूज़ कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि फ्री फायर का कोई भी टूल्स को आप अपने मोबाइल से कैसे PNG बना सकते हो। तो आज के लिए तक छोटा सा वीडियो, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।